कविता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हकीम साहब से बात कराएंगे। बिल्कुल, बात कीजिए। बात हो रही है, आप बताइए। जी नमस्कार सर। जी जय हिंद, स्वागत है आपका। सर मेरी मदर है कविता अरोरा, उनको पिछले 8-10 साल से थायराइड है। जी ठीक है। हाइपोथायराइडाइज, वेट लॉस होता जा रहा है। 38 kg वेट रह गया, 39 kg। ठीक है, ठीक है सर। इसके साथ दिक्कत ये है कि मैंने पिछले 10 साल से कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो लौकी तुरैया खाते हैं, दलिया भी नहीं खा पाती, लेकिन वो भी खाना, हर चीज में इनडाइजेशन होता है, कुछ भी नहीं खा पाती, मतलब बुरी हालत हो रही है। और ठीक है सर। प्यास सर, प्यास लगती है, प्यास नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। नहीं लगती बिल्कुल, प्यास रहती, पानी बड़ी मुश्किल से पी पाती हूँ थोड़ा बहुत। उम्र कितनी है मैम की? उम्र है 61। ठीक है सर। देखिए, लिख लीजिए आप नुस्खा, और आप बहुत प्यार करते हैं अपनी मम्मी को, ये नुस्खा बना लें और उनको दें। धनिया जो किचन में होता है सभी जानते हैं, धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, साबुत धनिया 300 ग्राम, धनिया और 100 ग्राम मेथी, मेथी का दाना, 100 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ। फिर से बोलता हूँ, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम आंवला सूखा हुआ, इसको पाउडर बना लें, चूर्ण बना लें। एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून, ये असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है, जगह जगह नकली मिलता है। असली नमक जैतून खरीदें और एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास पानी में डाल दें, मिक्स कर दें और इस पानी से ये 3 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खिलाएं मम्मी को सुबह जब थायराइड की गोली खाती है उसके बाद, और 1 चम्मच रात को सोते समय ये उन्हें देना शुरू करें। इससे डाइजेशन के साथ उनका थायराइड भी कंट्रोल होना मुमकिन है। चांदपुर से हैं जीनत, स्वागत है आपका। जी सलाम अलैकुम, हकीम जी वालेकुम से बात अस्सलाम, करनी आप है। बात कर जी। लीजिए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। हाँ हकीम साहब, मुझे ना मुंह से एक लिक्विड सा निकलता है, जैसे एलोवेरा जेल नहीं होता इस टाइप का, और मुझे लाइटिंग जो होती है ना उसमें चीकनापन होता है, फ्लैश पे गिरते चिपक जाती है, और मेरे मुंह पे बदबू भी आती है हकीम साहब। और मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे ये परेशानी होते हुए तकरीबन 3-4 साल हो गए। अच्छा, एज बताइए अपनी। मेरी एज है 32। अच्छा, ये जो लिक्विड आता है, ये जो जी लिक्विड आता है इसमें एकदम मुंह लटकाना पड़ता है, ऐसा आता है? नहीं, ये तो मुझे खाना खाती हूँ, जैसे सुबह नमाज पढ़ के मैं लेटती हूँ तो मुझे लेटने के बाद आता है, और खाना खाने के बाद, पानी पीने, पूरे दिन आता रहता है ये ठीक। एलो, ना तो ये बलगम होता है और ना ही एलोवेरा जेल होता है, अजीब सा होता है। लार की शिकायत तो नहीं हो गई तुमसे? हाँ जी। अब मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेरा पेट साफ नहीं होता और खाया पिया बॉडी को बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है मैम। ठीक क्या, देखिए सौंफ, सौंफ तो आप जानती ही होंगी, 100 ग्राम सौंफ खरीदें, 100 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी, मेथी का दाना, सौंफ 100 ग्राम, धनिया आंवला और मेथी का दाना, ये सब चीज़ें 100 100 ग्राम खरीद कर इसका सफ़ू बना लें, यानी पाउडर बना लें। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून ये अलग से खरीद लें, और असली खरीदें, ये नकली बहुत मिलता है। एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 1 गिलास पानी में मिलाएं, या 2 गिलास में भी मिला सकते हैं। सोडा आपके किचन का जो बेकिंग पाउडर कहलाता है, एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून, 1 या 2 गिलास पानी में मिलाएं, और ये जो 4 चीज़ों का पाउडर बनाने को मैंने कहा ये 1 चम्मच खा के इस ये पानी पी लें जो नमक जैतून और खाने का सोडा है, इससे आपकी ये तमाम जुमला परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है।